सबको देखा बार बार, हमको देखिए अब की बात। चेयरमैन पद का उम्मीदवार आपका सहयोगी है इसरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नानक फाउंडेशन ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटावन के अपने बिगनिंग मिशन एजुकेशन सेंटर के बच्चों एवं अन्य झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के साथ मिलकर दो दिनों तक बाल दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया। 14 नवंबर को सभी बच्चों को चिल्ड्रेंस पार्क में उनके पसंद के गेम खिलाए, नृत्य प्रतियोगिताएं हुई, हाई जंप जैसी प्रतियोगिता और मस्ती भरपूर हुई। सभी बच्चों को टॉफी बिस्किट चिप्स वगैरह दिए गए। दिनांक 15 नवंबर को समाज सेवा में अपनी विशेष स्थान रखने वाले अति प्रतिष्ठित सम्मानी एवं नानक फाउंडेशन के सम्मानित एवं वरिष्ठ सदस्य संजय श्रीवास्तव ने उन बच्चों को कंप्यूटर का तोहफा दिया जिन्होंने कभी इसकी कल्पना तक नहीं की। इतना ही नहीं, श्रीवास्तव जी ने स्वयं सेंटर पर सिस्टम को इंस्टॉल किया, खुद से बच्चों को उसे ऑपरेट करना सिखाया। बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने बच्चों से वादा किया कि जल्द ही प्रिंटर की व्यवस्था की जाएगी जिससे आप अपने जरूरत और शौक के मुताबिक पेपर प्रिंट कर सकते हैं। मुस्कुराते रहना ही जीवन का मूल मंत्र है, ये संदेश देते हुए सभी को एक एक स्माइली की बैग पेंसिल दी गए। इस अवसर पर उत्सव बनाने में श्रीमती अर्चना राघव, श्रीमती गीता राघव, संजय श्रीवास्तव जी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। न्यूज 9 भारत के लिए नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सब संभाल के इस्तेमाल करेंगे है ना। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।